गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे सामंत प्रथा पर कि मध्यकालीन अपने राजस्थान के इतिहास की एक महत्वपूर्ण विशेषता सामंत प्रथा हम लोग पढ़ रहे थे कि ये जो मध्यकालीन सामंत प्रथा थी ये कुलीय परंपरा पर आधारित थी। जब राजा अपने किसी निकट संबंधी को मतलब कुल से संबंधित किसी व्यक्ति को सत्ता प्रदान कर भूमि का टुकड़ा प्रदान करता था तो राजा से भूमि प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? सामंत कहलाता था। ठीक है, और इन सामंतों की अलग अलग श्रेणियां थी, राजवी सामंत, सरदार सामंत, महाप्रसाद सामंत, कुर्रब सामंत, गनाया सामंत, भौमीय सामंत। तो कल हम लोगों ने क्लास में इन सामंतों की जो अलग अलग श्रेणियां थी उन श्रेणियों के बारे में पढ़ा कि किस सामंत का क्या होता था, क्या सम्मान होता था, कि उसकी क्या प्रतिष्ठा थी। ठीक है, तो हम लोगों ने सामंतों की श्रेणियों के बारे में पढ़ा और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सामंतों के विशेषाधिकार। ठीक है, मध्यकालीन भारत की जो सामंत प्रथा थी, सामंत प्रथा में ये जो सामंत होते थे क्या होते थे? राजा के अधीन नहीं, मतलब इनका राजा के बराबर का दर्जा होता था, लेकिन बराबर वालों में राजा क्या होता था? प्रथम होता था। ठीक है, तो कहने का भाव ये है कि राजा के साथ ये जो समानता रखने वाले सामंत होते थे, राज के कार्यों में राजा की सहायता करने वाले ये जो सामंत होते थे, राजा की तरफ से इनको क्या क्या विशेष अधिकार मिले हुए थे। ठीक है, तो हम आज सामंतों को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे उन विशेषाधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सामंतों के विशेषाधिकार, देखिए सामंतों के जो विशेषाधिकार थे उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रथम श्रेणी के जो सामंत होते थे उनके लिए एक और खास विशेष अधिकार उनको मिला हुआ था। वो क्या अधिकार था? ठीक है, देखिए प्रथम श्रेणी के जो सामंत थे उन्हें अपने सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त था। देखिए प्रथम श्रेणी के जो सामंत होते थे उसमें जैसे राजकुमार है, राजा के पुत्र हैं, राजकुमार है, राजा के भाई हैं, ठीक है, ये सब लोग आते थे और राजा से भूभाग प्राप्त करके जिस जगह का ये शासन संचालित करते थे वहां पर इन्हें अपने नाम के सिक्के ढालने का अधिकार था। कहने का भाव है कि एक तरह से ये स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। ठीक है, इन्हें अपने नाम के सिक्के ढालने का अधिकार था, मतलब ये अपने नाम का सिक्का। वैसे तो क्या होता था कि ये एरिया तो उस राजा का है पर्टिकुलर, और जो मुद्रा है उसी राजा के नाम की होगी, लेकिन प्रथम श्रेणी के सामंतों को अपने सिक्के, अपने नाम के सिक्के और अपनी जैसे आकृति बनी हुई सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी के सामंतों को अपने सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, और क्या था कि और सामंतों को क्या विशेष अधिकार मिले हुए थे? देखिए सामंत जब राज दरबार में उपस्थित होते थे तो उनको उनकी पद प्रतिष्ठा के अनुरूप सम्मान दिया जाता था। पद से ये मतलब है, या पद या प्रतिष्ठा से मतलब है वो किस श्रेणी का सामंत है। ठीक है, उसको राजा के द्वारा कौन सा ओहदा मिला हुआ है। ठीक है, वो जिस तर श्रेणी का सामंत होता था उसी के अनुरूप उसको दरबार में उपस्थिति पर सम्मान दिया जाता था। ठीक है, जैसे प्रथम श्रेणी का सामंत है तो उसका संबंध राज परिवार से है, तो उसका जो दरबार में ओहदा है, पद है, वो बड़ा होगा, तो उसकी जो समाज दरबार में प्रतिष्ठा है वो सम्मान को भी क्या होता था, ज्यादा होता था। जैसे हम लोगों ने सरदार सामंतों के बारे में भी पढ़ा था, जब दरबार में ये लोग बैठते थे तो राजा के दाएं और बाईं ओर बैठते थे। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने कुर्रब सामंत पढ़े थे कि जब उपस्थित तो होते थे तो राजा इनका एक हाथ पकड़कर अपने सीने से लगाता था, दूसरा इनके कंधे पर रखकर इनको क्या देता था, आशीर्वाद देता था। मतलब कहने का भाव ये है, जैसे हम लोगों ने गनाया सामंतों के बारे में पढ़ा कि अगर ये अच्छे तरीके से अपना कार्य नहीं करते थे, इनका कार्य था कर वसूल करने का, तो इनसे भूमि लेकर दूसरे सामंत को दे दी जाती थी। कहने का भाव ये है कि जिस श्रेणी का सामंत होता था उसी के अनुरूप उसको पद प्रतिष्ठा और सम्मान दिया जाता था। ठीक है, और देखिए अगला जो तीसरा सामंतों को विशेषाधिकार मिला हुआ था वो था
मृत्यु पर राजकीय अवकाश। देखिए मृत्यु पर राजकीय अवकाश से तात्पर्य है कि प्रथम श्रेणी के सामंतों की जब मृत्यु हो जाती थी तो इनकी मृत्यु पर क्या रखा जाता था, राजकीय अवकाश घोषित कर दिया जाता था। प्रथम श्रेणी के सामंतों की मृत्यु पर राजकीय अवकाश रखा जाता था। प्रथम श्रेणी के सामंत जैसे राजवी सामंत है, सरदार सामंत है, ठीक है, कुर्रम सामंत है, ठीक है, और जब ये इन सामंतों की मृत्यु हो जाती थी उस दिन राज्य में कोई भी कार्य नहीं होता था। एक तरह से क्या होता था, राजकीय अवकाश होता था। ठीक है, अगला जो सामंतों को विशेषाधिकार मिला हुआ था वो था सिरोपाव लेने का अधिकार। देखिए सिरोपाव लेने के अधिकार से मतलब है कि जब ये सामंत दरबार में उपस्थित होते थे, जब दरबार लगता था है ना, या किसी विशेष कार्य, जब किसी विशेष उत्सव वाले दिन भी ये दरबार में आते थे, ठीक है, और जब ये दरबार से जाते थे तो जाते वक्त राजा से इन्हें सिरोपाव लेने का अधिकार प्राप्त था। सिरोपाव से तात्पर्य है कि सिर से लेकर पांव तक राजा इन्हें वस्त्र, आभूषण और नगद राशि इस तरह के क्या देता था, उपहार देता था, और राजा से ये उपहार लेना इनका क्या था, अधिकार था। ठीक है, तो इस तरह इन्हें राजा से सिरोपाव लेने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, अब ये हम लोगों ने सामंतों के विशेष अधिकारों के बारे में पढ़ा कि किस तरह सामंतों को राज्य में विशेष अधिकार मिले हुए थे। अब हम चर्चा करते हैं सामंतों से ली जाने वाली सेवाएं। अधिकार तो मिले हुए हैं, अधिकार मिले हैं तो कुछ कर्तव्य भी होंगे। ठीक है, तो देखिए कि अगर राजा से कुछ लेते थे तो बदले में राजा को कुछ देते भी होंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने राजा से जो इनको विशेष अधिकार मिले हुए थे इसके बारे में पढ़ा। अब ये एवज में बदले में राजा को क्या देते थे, या सामंतों से राजा लोग क्या क्या सेवाएं लेते थे उसके बारे में देखते हैं। देखिए सामंतों से ली जाने वाली सेवाएं। ठीक है, तो सामंतों से ली जाने वाली सेवाओं में हम पहली जो इम्पोर्टेंट सेवा थी उसके बारे में चर्चा करते हैं, सैनिक सेवा। ठीक है, देखिए सामंत प्रथा के प्रारंभ जो चरण था, जब ये सामंत प्रथा आरंभ हुई थी तो सामंतों के लिए सैनिक सेवा कोई अनिवार्य नहीं थी कि देनी ही देनी है। ठीक है, तो लेकिन बाद में क्या हो गया, भिन्न भिन्न ये जो देशी रियासत थे, देशी रियासतों के सामंत थे, इनके लिए सेना के मापदंड निर्धारित कर दिए गए कि प्रत्येक सामंत को राजा को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता उपलब्ध करवाना क्या हो गया, अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, लेकिन ये जो सैनिक सहायता देती थी देशी रियासतें अपने अपने सामंतों को, इनके कुछ मापदंड थे। जैसे हम बात करते हैं मारवाड़ की, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मारवाड़ की कि मारवाड़ में सैनिक सेवा में क्या प्रावधान थे। ठीक है, मारवाड़ में सैनिक सेवा का जो प्रावधान था वो ये था कि 1000 रुपए की वार्षिक आय की जागीर पर एक घुड़सवार की सैनिक सहायता दी जाती थी। 1000 रुपए की वार्षिक आय, 1 घुड़सवार, कहने का भाव ये है कि राजा से जो सामंत लोग जागीर प्राप्त करते थे, ठीक है, अगर उस जागीर से 1000 रुपए की वार्षिक आय हो रही है तो एक घुड़सवार देना अनिवार्य था। ठीक है, अब देखिए अगर 2000 रुपए आय हो रही है तो 2 घुड़सवार, 3000 रुपए की आय हो रही है तो 3 घुड़सवार। ठीक है, इस तरह का सैनिक मापदंड निर्धारित था। और ये कहा गया था अगर 500 रुपए की वार्षिक आय है, ठीक है, 500 रुपए की वार्षिक आय पर एक पैदल सैनिक की सेवा दी जाती थी। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग रियासतों में सेवा के अलग अलग मापदंड निर्धारित किए गए थे। ठीक है, अब देखिए अगर हम बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर के सामंतों के लिए सैनिक सेवा का कोई मापदंड नहीं था, कोई निर्धारित नहीं था कि कितनी जागीर पर एवज कितनी आय हो रही है उस जागीर पर और कितनी सेना
देनी है, इसके लिए कोई निर्धारित मापदंड नहीं था, राजा अपनी मर्जी से सेना ले लेते थे बीकानेर के सामंतों से। ठीक है, तो अब बात आती है जैसलमेर की। तो जैसलमेर के लिए सैनिक सेवा देना कोई अनिवार्य नहीं था। ठीक है, तो इस तरह क्या था, सभी के लिए सेना, सभी रियासतों में सामंतों के लिए सेना के अलग अलग मापदंड निर्धारित किए हुए थे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सामंतों से ली जाने वाली सेवाओं में सैनिक सेवा के बारे में जाना, और आगे और कौन कौन सी सेवाएं सामंतों से ली जाती थी उसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।